हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिजिक्स में हम कैसे धारामापी को वोल्टमीटर के रूप में परिवर्तित करते हैं उसको देखेंगे। धारामापी को हम वोल्टमीटर के रूप में परिवर्तित करना चाह रहे हैं तो पहले जानेंगे कि वोल्टमीटर होता क्या है। तो वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसके सहयोग से किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को प्रत्यक्ष रूप से वोल्ट में मापते हैं। तो वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके सहयोग से किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को प्रत्यक्ष रूप से वोल्ट में मापते हैं, और यदि विभवांतर को मिली वोल्ट में मापा जाए तो यह उपकरण मिली वोल्टमीटर कहा जाता है। वोल्टमीटर को चालक के दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अच्छा, ये जैसे इस परिपथ में एक प्रतिरोध R1 है और दूसरा प्रतिरोध R2 है, दोनों चालक हैं। चालक का अपना प्रतिरोध होता है, तो पहले चालक का प्रतिरोध R1 है और दूसरे चालक का प्रतिरोध R2 है। इस चालक के किन्हीं दो बिंदु A और B के बीच यदि हमको विभवांतर निकालना है तो वोल्टमीटर को इस चालक के दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। अब चूंकि इस परिपथ से चलने वाली धारा का एक भाग वोल्टमीटर में जाता है और वोल्टमीटर की कुंडली में विक्षेप होता है, उसी विक्षेप के आधार पर हम इस चालक में बह रहे धारा को माप लेते हैं और धारा के आधार पर क्या माप लेते हैं? विभवांतर माप लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम वोल्टमीटर की जगह धारामापी लगा दें, क्योंकि धारामापी में भी धारा जाएगी और धारा जाने के बाद इसकी कुंडली में विक्षेप होगा और इस विक्षेप के आधार पर हम समझ लेंगे कि इस चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उसी धारा के अनुपात में इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकाल लेंगे। लेकिन क्या दिक्कत होती है धारामापी को लगाने से? जैसे हमने धारामापी लगा दिया, ये धारामापी लगा दिया। अब जब धारामापी लगाया तो देखिएगा, हम इस सेल से प्रवाहित धारा के कारण इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर धारामापी से मापने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि धारामापी के कुंडली का अपना एक प्रतिरोध होता है। तो मान लेते हैं इसका प्रतिरोध G है। अब इस धारामापी को हटाते हैं और इसकी जगह इसके कुंडली का प्रतिरोध लगा देते हैं। ये धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध जी है। अब जब हम इस धारामापी को इस दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारामापी का प्रतिरोध और इस चालक का प्रतिरोध मिलकर के कुछ अलग प्रतिरोध बनाते हैं। उसको हम देखते हैं कैसे होगा। सेल से प्रवाहित धारा जब धारामापी नहीं लगा है, नहीं जुड़ा है, तो आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई इज इक्वल टू सेल के द्वारा दिया गया विद्युत वाहक बल E। इसको हम अगर आंतरिक प्रतिरोध जीरो है तो भी कह सकते हैं। जैसे भी इक्वल टू क्या होता है? E माइनस आई आर। तो अगर सेल के आंतरिक प्रतिरोध को जीरो मान लें तो ये समाप्त हो जाएगा, तो इसको हम भी कह सकते हैं E को। तो चाहे भी बटा प्रतिरोध लिखें चाहे E बटा प्रतिरोध लिखें, तो E बटा क्या हो जाएगा? प्रतिरोध R1 है और प्लस R2 है। ये प्रतिरोध R1 और अभी धारा मापी नहीं लगा हुआ है तो ये प्रतिरोध R2। क्या हो गया? ये I हो गया। अब इस चालक के बिंदु A और B के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? धारा चल रही है I, ये अभी धारा मापी नहीं लगा हुआ है तो इसमें धारा चल रही है I इक्वल टू E अपान R1 प्लस R2। अब ये धारा चल रही है, इस दो बिंदुओं के बीच प्रतिरोध है R2, क्या हो जाएगा? R2 प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू I इंटू R2। अब ये V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू I का मान है E बटा R1 प्लस R2 इंटू R2। अब हम धारा मापी को जोड़ते हैं। धारामापी को जोड़ेंगे तो ये R1 तो वही रहेगा,
लेकिन आर टू में धारामापी के कुंडली का जो प्रतिरोध है समांतर क्रम में जुड़ जाएगा। तो समांतर क्रम में जुड़ने के बाद आर टू जो ये आर टू की जगह होगा दूसरा प्रतिरोध हो जाएगा, उसको हम आर टू डैश लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि यदि आर टू के बिंदु ए एवं बी के बीच धारामापी लगाया जाए तो आर टू के साथ धारामापी के कुंडली का प्रतिरोध जी समांतर क्रम में जुड़ेगा। इस प्रकार प्रतिरोध आर टू के स्थान पर आर टू एवं जी का समतुल्य प्रतिरोध मान लिया आर टू डैश होगा। अब क्या हो जाएगा, अब परिपथ में धारा दूसरी होगी आई डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ई पूरा विद्युत वाहक बल है बटा आर वन तो अपनी जगह है, आर टू की जगह आर टू डैश हो जाएगा। ये जब आर टू के साथ धारामापी जुड़ गया है तो धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध जी हो गया। अब आर टू के साथ धारामापी का प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ गया और समांतर क्रम में जुड़ने से ये जो आर टू की जगह अब ये दोनों समतुल्य प्रतिरोध लगेगा जो आर टू डैश है। अब बिंदु ए एवं बी के बीच विभवांतर, अब इसको हम वी डैश लिखते हैं क्योंकि अब धारा का मान हो जाएगा आई डैश इंटू प्रतिरोध, अब कंबाइंड प्रतिरोध इसका मिलेगा आर टू डैश और यहाँ से वी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डैश का मान है ई अपॉन आर वन प्लस आर टू डैश इंटू आर टू डैश। ये अब देखिएगा, हमने धारामापी को लगाया था कि इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर माप ले क्योंकि धारामापी में जो विक्षेप होता है फाई वो अनुक्रमानुपाती होता है आई के, और आई उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा कि भी होगा, और भी क्या होता है भी अनुक्रमानुपाती होता है आई के, तो आई अनुक्रमानुपाती होता है फाई के और भी अनुक्रमानुपाती होता है आई के, तो एक तरह से भी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा फाई के। तो धारामापी को लगाएंगे तो भी कुंडली में विक्षेप फाई होगा, उसके हिसाब से हम आई माप सकते हैं और कुंडली में उसी विक्षेप के आधार पर हम दोनों सिरों के बीच विभवांतर भी माप सकते हैं। लेकिन धारामापी के लगाने से हम देख रहे हैं ये जो हमने भी विभवांतर मापने के लिए धारामापी को लगाया वो धारामापी अब भी नहीं माप रहा है बल्कि अपने प्रतिरोध को आर टू के साथ जोड़ करके ए एवं बी बिंदुओं के बीच भी डैश को माप रहा है, जबकि हमने मापने के लिए इसको भी लगाया था। तो ये अशुद्धि हो जाती है, हमने मापने के लिए धारामापी को भी लगाया था और माप दिया भी डैश, तो इसी अशुद्धि को दूर करने के लिए हम धारामापी को वोल्टमीटर के रूप में बदलते हैं। तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार धारामापी वास्तविक विभवांतर जो भी है भी के स्थान पर अशुद्ध विभवांतर भी डैश मापेगा, जिसे दूर करने के लिए धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित करते हैं कि अशुद्धि दूर हो जाए, अशुद्धि दूर होने का मतलब भी डैश जो धारामापी माप रहा है वो भी डैश भी के बराबर होनी चाहिए। भी डैश किसके बराबर होनी चाहिए, भी के बराबर होनी चाहिए, यानी ये भी डैश ई अपान आर वन प्लस आर टू डैश इंटू आर टू डैश इजक्वल टू ई अपान आर वन प्लस आर टू इंटू आर टू के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो गया, ई से कैंसिल हो गया, क्या बचा ये होना चाहिए। अब यानी अगर ये कब बराबर होगा, जब आर टू डैश के बराबर होगा, जब आर टू डैश के बराबर होगा तब ये दोनों फैक्टर बराबर जाएंगे, इम्प्लाई दैट आर टू इजक्वल टू आर टू डैश। अब देखिएगा इसी को हम लिख सकते हैं वन बाई आर टू इजक्वल टू वन बाई आर टू डैश। अब ये आर टू डैश क्या था, धारामापी का प्रतिरोध और इस आर टू का समतुल्य प्रतिरोध था। अगर ये आर टू एंड जी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, वन बाई आर टू डैश, अगर समतुल्य प्रतिरोध है वन बाई आर टू प्लस वन बाई जी, ये हो जाएगा। यानी वन बाई आर टू की जगह हम वन बाई आर टू प्लस वन बाई जी लिख सकते हैं
क्योंकि R2 और G समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इन्हीं के समतुल्य प्रतिरोध को हम R2 डैश रख दिए हैं। तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट 1 बाई आर टू इक्वल टू 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई जी। यहां से वोल्ट मीटर परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए भी एवं भी डैश बराबर होना चाहिए और ये तब बराबर होगा जब ये R2 बराबर R2 डैश होगा। इम्प्लाई दैट R2 बराबर R2 डैश होना चाहिए। इम्प्लाई दैट 1 बाई आर टू इक्वल टू 1 बाई आर टू डैश होना चाहिए। इम्प्लाई दैट 1 बाई आर टू इक्वल टू 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई जी, ये होना चाहिए। अब यहाँ से देखिएगा 1 बाई आर टू इक्वल टू 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई जी। इम्प्लाई दैट जी का मान क्या हो गया, इनफाइनाइट होगा। यानी धारा मापी को वोल्ट मीटर बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, धारा मापी के प्रतिरोध को इनफाइनाइट करना पड़ेगा। और धारा मापी का प्रतिरोध इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता है। आप कहेंगे कि धारा मापी के प्रतिरोध को बहुत अधिक बढ़ाना पड़ेगा और बहुत अधिक बढ़ाने के लिए जी पहले से है, इसमें बहुत बड़ा प्रतिरोध और जोड़ दें। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने से ही प्रतिरोध बढ़ता है। तो क्या लिखेंगे, जी इक्वल टू इनफाइनाइट करना होगा, अर्थात धारा मापी का प्रतिरोध बहुत अधिक होना चाहिए, जो कि होता नहीं है। धारा मापी के कुंडली का प्रतिरोध बहुत अधिक नहीं होता है। तो बहुत अधिक करने के लिए क्या करेंगे, इस कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक बहुत बड़ा प्रतिरोध जोड़ देंगे, होना चाहिए, जिसके लिए धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में अत्यधिक प्रतिरोध वाला प्रतिरोधक, और इसी को कहते हैं शंट। यानी धारा मापी को वोल्ट मीटर बदलने के लिए भी एक प्रतिरोधक जोड़ना पड़ता है, जिसे शंट कहते हैं, और यह प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़ता है। धारा मापी को अमीटर बदलने के लिए एक शंट जोड़ते थे जो समांतर क्रम में जुड़ता था और उसका प्रतिरोध अत्यल्प होता था, बहुत कम होता था। लेकिन धारा मापी को वोल्ट मीटर बदलने के लिए एक अत्यधिक प्रतिरोध वाला प्रतिरोधक जोड़ेंगे, जिसे शंट कहते हैं, या इसको लिख लीजिए यहाँ पर, जिसे शंट कहते हैं, जोड़ते हैं। तो ये हो गया धारा मापी को वोल्ट मीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में अत्यधिक प्रतिरोध वाला प्रतिरोधक जोड़ते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन फिर बनता है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए शंट कैसा होना चाहिए। तो आप कहेंगे अत्यधिक प्रतिरोध वाला होना चाहिए, और कहेंगे किस क्रम में जुड़ा होना चाहिए, तो आप कहेंगे श्रेणी क्रम में जुड़ा होना चाहिए। तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए, बिल्कुल धारा मापी को अमीटर बदलने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसका उल्टा करते हैं। वहाँ पर समांतर क्रम में एक प्रतिरोधक को जोड़ते हैं, जिसे संत कहते हैं, और उसका प्रतिरोध अत्यल्प होता है, बहुत कम होता है। यहाँ पर श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोधक जोड़ते हैं, जिसे संत कहते हैं, और इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो ये हो गया हमारा धारा मापी को वोल्ट मीटर में क्यों बदलते हैं। पहले तो हम कहेंगे वोल्ट मीटर होता क्या है। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके सहयोग से हम परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को माप सकते हैं। चूँकि विभवांतर जो होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, और धारा जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है विक्षेप की। अगर धारा मापी को हम लगा देते हैं, धारा मापी में विक्षेप नाप लें, और विक्षेप से हमको आई मिल जाती है। अगर आई मिल गई तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी मिल जाता है। तो धारा मापी के सहयोग से परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हम माप लेते हैं, लेकिन ये विभवांतर जो मापते हैं वो अशुद्ध होता है। इसको शुद्ध करने के लिए हम धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करते हैं। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके सहयोग से परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को प्रत्यक्ष रूप से वोल्ट में मापते हैं। अगर दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मिली वोल्ट में मापे तो वो जो वोल्ट मीटर होगा वो मिली वोल्ट मीटर हो जाएगा। चूँकि धारा मापी के सहयोग से भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जा सकता है, लेकिन हमने देखा कि ऐसे मापन में अशुद्धि आती है, क्योंकि धारा मापी के कुंडली का प्रतिरोध भी
परिपथ में जुड़ जाता है। इसी अशुद्धि को दूर करने के लिए हम धारा मापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करते हैं। कैसे परिवर्तित करते हैं? धारा मापी के कुंडली के साथ अत्यधिक प्रतिरोध वाला प्रतिरोधक लगाते हैं, जिसे संट कहते हैं, और यह प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा धारा मापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करना। उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे और हम आगे भी आपको इसी तरह के वीडियो क्लिप देते रहें। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।